Trend Live Update. कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, इस पर बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए गेस्ट ऑफ क्लब इस लाइव फॉक्स से, जहां पे थोड़ी देर पहले रैपअप पार्टी चल रही थी सेकंड हिंदी शॉर्ट फिल्म बाय डायरेक्टर राम कमल मुखर्जी की, यानी कि सीजन ग्रीटिंग्स की हम बातें कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड माय फेवरेट लिलित दुबे मैम, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हो रही है। लिलित मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। थैंक यू वेरी मच, आई एम डिलाइटेड टू बी बैक इन कलकत्ता। जब जब आपके साथ बातें होती है मैम, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार सीजन ग्रीटिंग, ये एक ऐसी मूवी है जो सभी के दिल को छुएगी, कुछ कहते जाइए मैम। हाँ, क्योंकि इसकी जो एसेंशियल स्टोरी है वो एक माँ बेटी की स्टोरी है, और ये इतनी यूनिवर्सल स्टोरी है कि सब लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और इसके अंदर छुपी हुई एक बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है, जो आपको मतलब हम बता नहीं सकते, जो आप डिस्कवर करेंगे जब आप फिल्म देखेंगे। और जैसे हम कह रहे थे, हम कहते हैं शॉर्ट फिल्म, पर आपको पता है कि सबसे सुंदर कहानियाँ ऑफिन बहुत छोटी कहानियाँ होती हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं एक छोटी कहानी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो घंटे की बड़ी पिक्चर बनानी है कुछ बताने के लिए। तो आई थिंक इसकी सुंदरता ये है कि एक छोटी सी कहानी में हम बहुत कुछ कह रहे हैं। मैंने जैसे अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हर एक्टर को वैसा डायरेक्टर पसंद है जिनको पता है उनको क्या चाहिए, बहुत क्लियर है कि हमको ये चाहिए, तो आप हमको मतलब ये दीजिए, मेरा विजन ये है। जिनका विजन बहुत क्लियर है पिक्चर के बारे में, है ना। तो मिस्टर बच्चन भी उसमें सबमिट करेंगे। आप देखेंगे कि हम सब लोग बहुत ही बढ़िया एक्टर भी, किसी किसी फिल्म में बहुत ही बढ़िया हैं, कभी उतने बढ़िया नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर है वो उनसे क्या खींच के निकाल रहा है। होपफुली इन्होंने मुझसे कुछ अच्छा ही खींच के निकाला है सीजन ग्रीटिंग में, क्योंकि ये अपनी अच्छी मीन इज वेरी सॉर्ट ऑफ, वो बहुत वॉलेटाइल टाइप के डायरेक्टर नहीं है, बट बहुत क्लियर है कि उनको क्या चाहिए। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ मैम सुन रहे हैं, समय थोड़ा सा कम है, एक लंबी लाइन लगी हुई है, जाते जाते फ्यू वर्ड्स ऑफ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता लेके कुछ कहते हैं। मैंने अभी से कहा कि ये सिटी और कोलकाता मेरे खून में है, मुझे इसका खाना, इसका पूरा कल्चरल जो इथॉस है बहुत पसंद है, और मैं यहाँ बहुत बहुत बार आती हूँ। तो अभी आ रही हूँ 2 दिसंबर को एक बहुत बढ़िया प्ले के साथ जिसका नाम है गौहर। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि या तो शो के लिए या फिल्म के लिए या किसी के लिए मैं यहाँ आती ही रहूँ, और मेरी आवाज़ आपको सुनती सुनाई देती रहे। थैंक यू सो मच लिलित मैम, हमारे साथ बातें करने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही, बैक टू स्टूडियो।